नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमरुजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ में अतरौली तहसील और अतरौली तहसील में एक वाक्या सामने आया है कि एक जो है युवक आता है और बच्चों को इस तरीके से अपने जाल में फंसाता है कि बच्चे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और फिर वो उसके जो भी कुंडल हैं उनके कान में किस तरीके से और उनको लेकर के वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ऐसे ही मामला जो दो मेरे सामने आए जिनको जिन्होंने बताया हमें इस बारे में, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है। तो क्या नाम है आपका? लोकन प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौली। अतरौली में किस जगह के? बरिया टोला में। अच्छा, क्या मामला है जो आप मतलब इसको लेकर के पुलिस से भी मिले हैं? जी क्या? सर कल ऐसा हुआ था, बच्चे पढ़ने के बाद घर आ रहे थे लौटकर, तो हमारी बेटी अकेली आ रही थी पढ़कर। कितने उम्र की होगी? 11 साल। अच्छा, ठीक है। आते समय रास्ते में कोई उनको मिला, उन्होंने मेरे नाम से मेरे बारे में पूछा कि मैं पापा का दोस्त हूँ, ऐसा कुछ कहकर कि आप ये कहाँ के हो, ये वो बात कर बना के उससे उसको अपनी बातों में लेकर। कुछ नाम भी बताया उसने? हाँ, उसने अपना नाम बताया था, पीके। मैं पीके हूँ, आपका पापा का दोस्त हूँ, मैं बेटा आपका चाचा हूँ, ऐसा कह के मेरे घर पर शादी का फंक्शन है, कोई सीमा नाम बताया था, उनकी शादी है और अपने पापा से कहते ना दावत के लिए आ जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वहाँ से आगे निकल गई मेरी बेटी। आगे जाके फिर उसने दोबारा उसको पकड़ा, अपने पास बुलाया, फिर कहा कि चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ, शादी वाला घर ये है। तो पतरी गली से निकलता हुआ, वो कई गलियों से निकलता हुआ और एक सुनसान मोहल्ले में पहुँचा, वहाँ जाकर उसने बच्ची पीछे पीछे थी। हाँ, उसके बच्ची पीछे थी, वो हमने मोबाइल में भी और कैमरों में भी देखा हुआ फुटेज, तो बच्ची पीछे पीछे भाग रही, उस साइड में जा रही जिस साइड से कभी मतलब ही नहीं उस क्षेत्र में जाने का बच्चे का। अच्छा, अच्छा। वहाँ तक गया, काफी आगे तक ले गया बच्चे को, बच्ची उसके बेसुध उसके पीछे पीछे भागती रही है। उसके बाद जाने के बाद उसने आगे जाकर उसके हाथों से उसके कान की तरफ कुछ किया है कि बेटा ये तुम्हारे ये कुंडल है, इन्हें मैं कुछ कर दूंगा इनका, बातों में लगाकर, और पता नहीं उसके कब कुंडल निकाल लिए। उसे लाली को ये नहीं पता था कि कहाँ ले जा रहा, कौन है ये। नहीं तो फिर वो बच्ची वापस कैसे आई? वापस सर ऐसा था, हमने उससे पूछा बच्ची से कि बेटा क्या क्या हुआ था, तो घटनास्थल पर जहाँ हुई थी हम वहाँ भी गए थे, हमने वहाँ भी जाकर चेक किया और वहाँ एकदम एक एरिया एकदम शांत था, वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था फिलहाल उस टाइम पर, दोपहर में जैसे 4 बजे करीब शांत था मोहल्ला, उसने वहीं मौका देखकर उसके कुंडे फुंडे छीन लिए। अच्छा, ये कब की बात है? ये सर कल की बात है, कल शाम 4 बजे की बात है। 4 बजे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष फर्स्ट है। और आपके साथ क्या घटना हुई? हाँ, हमारे साथ मेरी सिस्टर है, उसके साथ हुआ क्या था ऐसा ऐसा बताया। कितनी उम्र होगी उसकी? 15 होगी। अच्छा, 15 ईयर हुआ उसके। हुआ ऐसा बताया था कि मैं आपके पापा को नाम जानता हूँ, उसके पापा नाम भी बताया था और चाचा को जानता हूँ, मेरी बेटी की शादी है और मैं आपके जैसे कुंडल बनवाना चाहता हूँ और मैं कार्ड भी दूंगा। ऐसे उलझा कर ले के उस सुनसान जगह पर ले गया, सुनसान जगह के बाद उसके बाद उन्हें हुआ क्या, कुंडल पर थोड़ी बहुत हाथ लगा के उनको कुंडल उतार लिया और उनके साथ में एक ताऊ का लड़का भी था, उसको भी नहीं पता क्या हुआ, कुछ भी नहीं, 5 मिनट की दूरी वो आदमी गया, उसके बाद उनको पता चला कि हमारे कुंडल उतर गए हैं। और तो उस बच्ची ने क्या बताया आपको? उस बच्ची ने ऐसे बताया कि मेरी बहन ने ऐसा बताया कि मेरे उनने बताया कि मेरे कुंडल वो चाचा है ऐसे लगते हैं, कार्ड दिया उनने मुझे और ये सब कुछ ऐसा बताया। अच्छा, काफ़ी समय से वो एक्टिव है लेकिन उसके खिलाफ कोई ढंग से कार्रवाई नहीं हुई सर। नहीं, इस मामले को लेकर के आप पुलिस में मिले कहीं भी? हम शाम को जब हमने तहरी की, इधर उधर घूमे, उसके बाद हम चौकी गए, कस्बा चौकी है, हम वहाँ मिले, दरोगा जी से बात हुई हमारी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि चलो कोई तो आगे आया बताने के लिए ढंग से। मैंने कहा सर हमें पता चला है कि हमसे पहले भी ऐसे कई केस हो चुके हैं, हमें तो आज उसकी नॉलेज हुई है, ऐसा पता होता तो शायद हम अपने बच्चों पर निगरानी रख सकते थे। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कि वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं लिखी, वहाँ पर एप्लीकेशन अभी तक नहीं लिखी, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं लिख जाएगी, आप इनके साथ चले जाओ। तो उन्होंने अपने एक दरोगा जी थे उनके साथ मुझे भेजा, घटनास्थल पर हम गए, वहाँ पर जाकर हमने देखा, उन्होंने बताया सर यहाँ पर ये बात हुई है, यहाँ से बच्ची को ले जाया गया है। तो उन्होंने हमारे साथ जाकर देखा माहौल को क्या हुआ। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो भी घटना हुई है ये काफ़ी समय से चल रही है और इस घटना के लिए अभी तक वहाँ मोहल्ले में भी थोड़ा उधर सबको नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए सबसे यहाँ तक
आया हूँ कहने के लिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो किसी बच्चे के साथ। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इस पुलिस विभाग से जो भी मदद मिले और पब्लिक से जो मदद मिले, आने वाले भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो जैसे कि चौकी से आपके साथ में पुलिसकर्मी भेजा गया, वो वहाँ पर गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई है? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम सुबह से फिर दो तीन फुटेज और चेक की हमने, चौकी उसका फोटो साफ नहीं आ रहा था। हमने उनके फोटो भी कलेक्ट किए उस जो दंदा था और उसकी वीडियो भी कलेक्ट की, पुरानी भी कलेक्ट की हमने, जो आज से पहले अप्रैल का केस था इनका भाई साहब का, वो भी कलेक्ट की हमने और उसके फोटो भी निकलवाए हमने, फोटो भी आपको हमने दिखाए थे, तो सारी जानकारी हमने ली। लेकिन अभी उसके कोई पकड़ने का कोई चांस नहीं है और माहौल हमारा पूरे अतरौली का उस वजह से थोड़ा दहशत में है। और एक ही कॉलेज के जो हमारा सिटी कॉन्वेंट स्कूल है, उस स्कूल के आसपास देखा जाता है बंदा, ये वहाँ पे एक लगभग कितनी उम्र होगी उसकी? लगभग सर 43 से लेके करीब 50 के समथिंग हुई। मतलब किस तरीके की ड्रेस में रहता है? वो सर ब्लैक पैंट पहनता है और वाइट शर्ट है और ये पॉकेट साइड उसकी ये है और चलने में थोड़ा लंगड़ा सा है, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कुछ उसके पैर में चोट लगी है तो लंगड़ा के चलता है हल्का सा। अच्छा, तो आपकी जैसे आपकी जो बच्ची है या आपकी बहन है तो आप उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाते या लेने नहीं जाते या किस तरीके से? कल तो सर स्कूल वो अपने डेली जाती है साइकिल से, डेली जाती है। कल साइकिल से नहीं, भाई के साथ गई थी तो भाई के घर से अपने घर जा रही थी, रास्ते में ही ये कांड हो गया। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके का ये मामला है कि एक जो युवक है वो किस तरीके से बच्चों को बहकाता है अपनी बातों में और अपने पीछे दे जाता है और उनसे जो है कुंडल इत्यादि छीन सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस समय समाज में किस तरीके से बच्चों के साथ, मासूमों के साथ कैसे कैसे कृत्य हो रहे हैं। तो इस मामले को पुलिस को बड़ा ही संगीनता से लेना चाहिए। खाली ये नहीं है कि आपने पुलिसकर्मी साथ में भेज दिया और आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, आपको इस मामले का पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज तो वो युवक केवल कुंडल इत्यादि ले रहा है बच्चों को बहकार के, कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई उन बच्चों के साथ या किसी भी बच्चे के साथ कोई भी बड़ी घटना घट जाए। क्योंकि घटना घट जाती है फिर केवल मलाल रह जाता है, उन परिवारों पर मलाल रह जाता है, पुलिस के लिए मलाल रह जाता है, प्रशासन के लिए मलाल रह जाता है, सरकार के लिए। छोटे छोटे बच्चों को ही टारगेट बनाता है, जैसे 10 ईयर्स की हैं या 50 तक की, बस इससे ज़्यादा टारगेट नहीं बनाता है वो। उसकी 2-4 घटना हमारे सामने आई हैं, 2 तो हम खुद ही आपके सामने प्रेजेंट में तैयार हैं, आप देख सकते हो, और भी हमने सुना है। वो कल हमने जहाँ छानबीन की मोहल्ले में गए, वहाँ भी घटना के बारे में हमने पूछा कि जिनको हमें फुटेज दिखाई थी वहाँ के लोगों को, उन्होंने पहचाना भी था ये वो ये जो पहले घटना की थी इसने, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई ढंग से, इसलिए वो आज़ाद घूम रहा सर। तो इस पर कार्रवाई हो उसके खिलाफ और ये जितनी जल्दी हो सके ये उसका क्राइम बंद हो और वो गिरफ्तार हो सर, यही माई। तो देखिए ये किस तरीके का मामला है, इस पर पुलिस को, प्रशासन को सभी पूरी तरीके से अलर्ट होकर के संज्ञान लेना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और फिर किसी मासूम के साथ अगर कोई घटना बड़ी घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप खुद जानते हैं। कल सर बाल बच्ची हमारी, क्योंकि जिस हाल में वो छोड़ के आया था उसने बताया कि उसको करीब 15 मिनट बाद ये महसूस हुआ जब उसके पास से वो जा चुका था, जब उसको पता लगा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उन्होंने कि क्या किया, बच्चे ने मेरे ने रास्ते में जो दुकान है उन भाई साहब से पूछ के ये चौराहा कहाँ पर है, तो सबने बताया बेटा इधर से निकल जाओ। तब निकलते वो घर तक पहुँच गया काफ़ी देर में। तो यानी कि आप जान चुके होंगे किस तरीके का संगीन मामला है और इस पर किसी भी तरीके की लापरवाही पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।